गाइज ये देखो, ये है इकोनोमाइजर की लास्ट कॉइल जिसे राइट साइड की तरफ से बाहर निकाला जा रहा है। मैं इस वाले कॉइल की बात कर रहा हूँ, यह है इकोनोमाइजर की लास्ट कॉइल, मतलब कि कॉइल नंबर 156। मैं आपको इस तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये आप सारे मैन होल देख रहे हो ना, 1, 2, 3 और ये 4, ये मिडिल पोजिशन के मैन होल हैं राइट साइड की तरफ के। और आप थोड़ा ऊपर देखोगे जहाँ से आपको रोशनी आ रही है ना, वो टॉप पोजिशन का मेन होल है, 1, 2, 3 और एक वहाँ पे 4, सॉरी वहाँ पे 1, 2, 3, 4। और वहाँ पर एक मैनुअली मेन होल को कट किया गया था जहाँ से मैं इकोनोमाइजर के टॉप पोजिशन में जाता था अंदर की साइड में। तो ये देख लो, कुछ इस तरह का दिखाई देता है इकोनोमाइजर पूरा कॉइल निकलने के बाद। ये इस वक्त आप वीडियो में टॉप पोजिशन देख रहे हो इकोनोमाइजर का, वो सारे जो आप ट्यूब देख रहे हो ना वो हेडर के ट्यूब हैं, और ऊपर की जो आप कॉइलें देख रहे हो वो LTSH की कॉइलें आपको दिखाई दे रही हैं, LTSH की लोअर बैंक की कॉइल। और ये जो आप देख रहे हो ये सारे हेडर हैं, हेडर नंबर 1, सॉरी इस तरफ से काउंट करो, हेडर नंबर 1, बीच में जो आप देख रहे हो वो आउटलेट हेडर है इकोनोमाइजर का, हेडर नंबर 2, 3, 4, ये 4 हेडर जो आप देख रहे हो ना, 1, 2, 3, 4 ये हैंगर के हेडर हैं, और वो जो आप देख रहे हो बड़ा वाला हेडर वो इकोनोमाइजर का आउटलेट हेडर है। और इस वक्त मैं इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन में हूँ, और ये देखो ये नीचे की साइड में इकोनोमाइजर का इनलेट हेडर है। ये बॉटम पोजीशन से ही इकोनोमाइजर का टॉप पोजीशन दिखा रहा हूँ, आप देख लो, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ से फ्लू गैसेस निकलती है, जो इकोनोमाइजर की फ्लू गैसेस होती है वो वहीं से निकलती है, वो डक्ट का एरिया पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके पूरा इस तरफ तक, और वहीं से फ्लू गैसेस निकलती है डक्ट के थ्रू। ये देख लो सामने की तरफ, ये है इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन की लास्ट कॉइल, मतलब कि लोअर बैंक की लास्ट कॉइल। इस पूरे इकोनोमाइजर की आखिरी कॉइल है। अब देखो पूरा का पूरा इकोनोमाइजर खाली हो गया इस साइड का, टॉप टू बॉटम। और ये देखो इस तरफ में सारी न्यू कॉइलें हैं, यहाँ तक 54 नंबर हैंगर असेंबल हो चुका है, मतलब कि कॉइल इरेक्शन हो चुकी है। और बाकी का जो ये एरिया आप खाली देख रहे हो ना, अभी यहाँ पर 24 हैंगर को असेंबल करना बाकी है, आने वाले 2-3 दिन में इस तरफ की भी सारी कॉइलें असेंबल हो जाएंगी, अपर बैंक और लोअर बैंक की। देख लो किस तरह का व्यू होता है पूरा का पूरा इकोनोमाइजर खाली होने के बाद। गाइज मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आप ऐसे देखोगे बॉयलर के सेकंड पास को, मतलब कि इकोनोमाइजर का एरिया जब ये पूरी तरह से खाली हो जाता है, तो आपको ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ बॉयलर के फर्स्ट पास की तरह ही दिखाई देगा, जिसे वाटर वॉल फर्नेस एरिया बोलते हैं। देख लो आपको चारों साइड सिर्फ वॉल दिखाई देंगे, ये SCW की वॉल है और वहाँ पर वाटर वॉल होती है, दोनों में सिर्फ नाम का डिफरेंस है, पर होता सेम एज इट इज़ ऐसा ही है बस। हाँ, वाटर वॉल की जो ट्यूब होती है वो बिल्कुल पास पास में लगी होती है, और जो SCW की ट्यूब होती है ना, दो ट्यूबों के बीच में डिस्टेंस होता है, पर दिखने में आपको सेम ऐसा ही दिखाई देगा अगर आप दूर से देखोगे इस तरह से। और नीचे की साइड में आप देखो ये सारे हैंगर के कनेक्शन हैं, फर्स्ट वाला वहाँ पर, सेकेंड वाला यहाँ, थर्ड इधर और फोर्थ वहाँ, मतलब मैं उल्टे साइड से काउंट कर रहा हूँ, काउंट उधर से होगा, 1, 2, 3 और ये 4। गाइज मैं आपको बता रहा था ना कि इकोनोमाइजर का सर्किट इकोनोमाइजर के इनलेट हेडर से इकोनोमाइजर के आउटलेट हेडर तक कंप्लीट होता है। तो आप देख लो ये इकोनोमाइजर का इनलेट हेडर है, और यहाँ से ये ट्यूब निकली हुई है, इसी में पूरा इकोनोमाइजर कनेक्ट होता है, मतलब कि इकोनोमाइजर की कॉइलें कनेक्ट होती हैं, जिसे हम लोग कनेक्शन जॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है इकोनोमाइजर के लोअर बैंक की, और ये ऊपर जाके अपर बैंक, और देखो कहाँ कनेक्ट होता है, वहाँ उस वाले हेडर में, वो इकोनोमाइजर का आउटलेट हेडर है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो, और बाकी का जो देख रहे हो वो सारे हैंगर के हेडर हैं। गाइज ये देखो, अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो ये सारी न्यू कॉइलें हैं अपर बैंक की और लोअर बैंक की, और ये देखो राइट साइड का एरिया पूरा का पूरा खाली, इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन से लेके इकोनोमाइजर का बॉटम पोजीशन। इस वक्त मैं देखो कहाँ हूँ, ये इसके स्कैफोल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लो आप, हैंगर का हेडर नंबर 1 और वो इकोनोमाइजर का इको आउटलेट हेडर, देन हैंगर नंबर 2, 3 और ये 4। और ये जो सारी आप कॉइलें देख रहे हो, ट्यूब देख रहे हो, ये LTSH की कॉइलें हैं। साइड में जितनी भी ये ट्यूबें देख रहे हो ना, ये सब LTSH से जुड़ी हुई है, मतलब कि लो टेम्परेचर सुपर हीटर। ये पूरा का पूरा ऊपर का एरिया है ठीक इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन के बाद, और ये पूरा का पूरा इकोनोमाइजर का एरिया है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। वो देखो सारे हेडर देख रहे हो ना, और हेडर से निकले हुए जो स्टब जॉइंट देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो उन सब का DP टेस्ट भी कम्प्लीट हो चुका है, वो कलरफुल देख रहे हो ना, वो सारा DP टेस्ट हो रखा है सारे स्टब जॉइंट का, जितने भी हेडर हैं वो हेडर के सभी जॉइंट के DP टेस्ट हो चुके हैं। और इस साइड में देखो किस तरह से कॉइल असेंबल होती है, आप देख लो अपर बैंक की और लोअर बैंक की, वो अपर बैंक और ये लोअर बैंक, देख लो किस तरह से कॉइल असेंबल होती है इकोनोमाइजर के अंदर में।
और इधर देखो नीचे की साइड में ये सारे हैंगर कनेक्शन ज्वाइंट है, देख लो किस तरह से हैंगर कनेक्ट होता है इकोनोमाइजर कॉइल में। ये हैंगर नंबर 4, 3, 2 और 1 उस तरफ में, और बीच में ये सारे कनेक्शन ज्वाइंट देख रहे हो ना, सॉरी ये तो हैंगर के हैं, नीचे ये देखो ये सारे कनेक्शन ज्वाइंट हैं। इस वक्त मैं जो कुछ भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये आपको तभी दिखेंगी जब आप इकोनोमाइजर कॉइल के अंदर में आओगे और इकोनोमाइजर कॉइल इस तरह से निकाला जाएगा बाहर, तभी आप ऐसे सब कुछ देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ बॉटम पोजीशन में खड़े होके इस तरह से सारी चीज़ों को नहीं देख सकते हो जो इस वक्त आप अभी वीडियो में देख रहे हो। कैसे होता है इकोनोमाइजर का काम, कैसे कॉइल को असेंबल किया जाता है, किस तरह से असेंबल होती है, ये सब आप देख लो वीडियो में। ये इकोनोमाइजर का बॉटम पोजीशन हॉपर एरिया, और ये देखो इस तरफ में मैन होल है, ये मिडिल पोजीशन के, उसके बाद वो अपर पोजीशन के, सॉरी टॉप पोजीशन के, और वो सारे हेडर हैं। इको का आउटलेट हेडर कहाँ पर होता है, इको का हैंगर हेडर कहाँ पर होता है, इनलेट हेडर कहाँ पर होता है, ये सब कुछ आपको आसानी से अभी इस वक्त वीडियो में दिख रहा होगा। यहाँ तक ये 54 हैंगर नंबर है और बाकी का भी 24 हैंगर नंबर असेंबल होना बाकी है, मतलब टोटल हैंगर नंबर 24 आना बाकी है और इस तरफ 54 हैंगर, तो टोटल को अगर जोड़ दिया जाए तो 78 हैंगर मैंने आपको बताया था, और अपर बैंक लोअर बैंक की कॉइल को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 156 कॉइल को असेंबल करना था, जिसमें से ये 54 हैंगर बोले तो 108 कॉइल असेंबल हो चुकी है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।